हर हर शंभू गाने की रिकॉर्डिंग के लिए नहीं थे पैसे, छोटा हाथी लोडर गाड़ी को 60,000 में बेचकर कराई थी गाने की रिकॉर्डिंग। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हर हर शंभू गाने के ओरिजिनल राइटर सिंगर जीतू शर्मा और अभिलेषा पांडा की। लेकिन उनका ही गाना कोई कॉपी करके गाए तो दुख तो होता ही है। इनका गाना गाकर फरमान इनाज वायरल तो हो गई, लेकिन इनको उसने क्रेडिट भी नहीं दिया। आइए समझिए पूरी कहानी। आज हम आपको बताते हैं कि हर हर शंभू सॉन्ग के राइटर जीतू शर्मा के बारे में। जी हाँ, आपको बता दें कि ये गाना जीतू शर्मा ने लिखा था। जीतू शर्मा ने एक इंटरव्यू में बताया कि इस गाने को लिखने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं थे, पर मैंने ये गाना अप्रैल के महीने में लिखा। मुझे गाना लिखने के बाद में रोल करने के लिए एक लड़की की आवश्यकता थी, तो मैंने अभिलेषा पांडा को अपने साथ लिया। एक महीने तक गाने की प्रैक्टिस की, फिर गाना रिकॉर्ड कराने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने अपना छोटा हाथी जो टेम्पो होता है उसको 60,000 में बेचकर एक स्टूडियो तलाशा और उस स्टूडियो में हमने अपना गाना रिकॉर्ड किया। उसके बाद में जीतू शर्मा ने अपने चैनल जीतू शर्मा पर इस गाने को अपलोड किया, लेकिन कुछ दिनों तक इस गाने को कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। लेकिन ज्ञान माफी का मुद्दा तेज होने के कारण इस गाने को इतना रेस्पॉन्स मिला कि ये गाना दिन ही दिन वायरल हो गया। लेकिन जीतू शर्मा ने कहा कि दुख तो जब होता है जब कोई हमारा गाना कॉपी कर लेता है और हमें क्रेडिट भी नहीं देता। उनका कहना है कि फरमान इनाज ने उनका गाना कॉपी किया है और उनको क्रेडिट भी नहीं दिया। इसके लिए जीतू शर्मा ने कहा है कि हम YouTube से इसकी शिकायत करेंगे। और ऐसे 310 वर्जन हैं जो हर हर शंभू गाने के बन चुके हैं, उनके खिलाफ़ भी जीतू शर्मा शिकायत करेंगे। आपको बता दें कि हर हर शंभू गाना अभिलेषा पांडा और जीतू शर्मा का ओरिजिनल गाना है। इन्होंने ही इस गाने को सबसे पहले आवाज़ दी थी। इस गाने को YouTube पर अपलोड हुए 2 महीने हुए हैं और इस गाने पर 7 करोड़ से अधिक व्यूज हैं। आपको बता दें कि YouTube ने एक कॉपीराइट मारकर इस गाने को जीतू शर्मा के चैनल से कुछ दिनों के लिए हटा दिया था, लेकिन उसके बाद में जीतू शर्मा ने इसकी जानकारी की और ये गाना दोबारा से जीतू शर्मा चैनल पर आ चुका है। आपको बता दें कि जुलाई में जीतू शर्मा के अकाउंट में YouTube से 12 लाख रुपये आए थे। और आपको बता दें कि अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएँ। अगर आप जानते हैं आपको किसकी आवाज़ सबसे अच्छी लगती है, अभिलेषा पांडा या फरमान इनाज की, तो हमें कमेंट में अवश्य बताएँ।